जैसे ही हम फसल काट लें अपनी जो रबी की फसल है उसके तुरंत बाद कोशिश करनी चाहिए इसकी जल्दी से जल्दी हम इसकी बुआई कर दें। हरी खाद बनाने के लिए स्वस्थ बीज का होना जरूरी है। बीज को बीजोपचार के बाद ही बोना चाहिए। बीज स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ बीज लें हम और उस बीज का उपचार जरूर करें। उपचार करने के लिए इसमें राइजोबियम का टीका आता है, उससे हम इसके बीज का उपचार कर लेते हैं। किसान भाई जानते हैं कि एक पैकेट का वजन 200 ग्राम होता है, जो 10 किलोग्राम बीज के उपचार के लिए पर्याप्त होता है। इसके अलावा बीज की बुआई के ढंग या विधि दो विधियां हैं। एक छिटकवा विधि है जिसमें आप बीज को छिटक देते हैं और दूसरा पंक्तियों में बुआई। पंक्तियों में बुआई ज़्यादा वैज्ञानिक रहता है और इसकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होती है और सही बीज दर का प्रयोग करना भी जरूरी है। जैसे सनई के लिए 60 से 70 किलोग्राम, ढैचा के लिए 50 से 60 किलोग्राम, लोबिया उड़द और मूंग के लिए 30 से 35 किलोग्राम और ग्वार के लिए 50 किलोग्राम बीज पर प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें। और बीज में अच्छी तरह से सफाई बीज की होनी चाहिए जिससे खरपतवारों के बीज भी इसके साथ न जा पाए। हरी खाद की फसल के लिए उर्वरकों का समुचित उपयोग जरूरी है। इसके लिए किसान भाई 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन व 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें। हरी फसल की पलटाई 6 से 8 सप्ताह के बाद करें, जिससे अगली फसल को समुचित मात्रा में उर्वरक मिल सके। जब हम पंक्तियों में फसल की बुआई कर रहे होते हैं तो उस समय हमें उर्वरकों का प्रयोग करना भी जरूरी होता है। इसके लिए 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस यानी P2O5 प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें और कोशिश करें कि कूड़ में ही हम इसको डाल दें। और किसी कारणवश आप अगर छिटकवा विधि से बुआई कर रहे हैं तो जब आखिरी जुताई कर रहे हैं उस जुताई के समय पर आप इस उर्वरक को छिड़क दें। और चूँकि गर्मी के महीने होते हैं तो हमारी फसल को पानी की भी ज़रूरत होती है, तो इसमें 2 से 3 पानी की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। आवश्यकता अनुसार आप अपनी फसल में सिंचाई करें जिससे कि फसल में अधिक से अधिक वानस्पतिक बढ़वार हो। किसान भाइयों, हरी फसल की खाद के कई फायदे हैं। इसके प्रयोग से खेतों में नाइट्रोजन का प्रयोग कम करना पड़ता है, क्योंकि इसके प्रयोग से खेत में नाइट्रोजन की मात्रा स्वयं बढ़ जाती है। फसलों का जीवन चक्र अच्छे से चलता है, मिट्टी की भौतिक और रासायनिक पदार्थों में सुधार होता है तथा अगली फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है।